हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका ईवीएस का लेसन 7 रीड करेंगे, जिसका नेम है आवर ड्रीम हाउस, मतलब कि हमारा सपनों का घर। ओके, तो हम रीड करना स्टार्ट करते हैं सीधा। बुक ए हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन्स। पीपल बिल्ड हाउसेस अकॉर्डिंग टू द वेदर्स एंड बिल्डिंग्स मटेरियल्स फाउंड इन द एरिया। यानी कि एक घर हमको किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है? गर्मी से, सर्दी से और बारिश से। हाँ, आदमी जो हम लोग हैं वो घर को कैसा एरिया, एरिया का मीन्स होता है कैसा एरिया है से मीन्स आता है कि वहाँ पे हमको घर बनाने का, किस टाइप का हम घर बना सकते हैं, वहाँ हमको क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है, हम उस मटेरियल के हिसाब से ही, उस एरिया के हिसाब से ही अपने घर का निर्माण करते हैं। फिर है टाइप ऑफ हाउसेस। टाइप देखिए, फर्स्ट है सम हाउसेस आर मेड ऑफ वुड, मोड बम्बोज एंड लीव्स, दे आर कॉल्ड कच्चा हाउसेस। कच्चा हाउसेस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आर टेम्परेरी, दे आर फाउंड मेनली इन ब्लेज हट्स, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कच्चा हाउसेस। यानी कि कच्चे जो घर लकड़ी से, मिट्टी से, बम्बोज मीन्स होता है बम्बो पत्तियों से और बम्बो से, यानी कि जो मोटी मोटी बल्ली जो होती हैं उससे जो घर बनता है लकड़ियों से, वो कहलाता है कच्चा घर, कच्चे हाउसेस कहलाते हैं। कच्चा हाउस जो है स्ट्रॉन्ग मतलब पक्के नहीं बने होते, उसमें टेम्परेरी होते हैं वो घर बने हुए, उनको कभी भी तोड़ा जा सकता है, आसानी से वो घर तोड़े जा सकते हैं। ठीक है, दे आर फाउंड मेंटली किस में मिलते हैं? ये मेनली गांव में मिलते हैं कच्चे हाउसेस। हट जो है, झोपड़ी जो है, इसकी एग्जाम्पल है कच्चे हाउसेस की। सम हाउस आर मेड ऑफ स्टोन, सीमेंट्स, ब्रेक्स, स्टील एंड वुड। यानी कि जो घर किस स्टोन से, यानी कि पत्थरों से, सीमेंट से, ईंट से, स्टील से, लकड़ी से बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं कॉल्ड पक्का हाउसेस, यानी कि पक्के घर। पक्के हाउसेस आज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कि पक्के घर जो होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं। जैसे कि आज शहरों में जो घर बनाए जाते हैं वो पक्के हाउसेस होते हैं और परमानेंट्स होते हैं। पक्का हाउस आर मेनली फाउंड इन सिटीज एंड टाउन्स, यानी कि शहरों में पक्के घर पाए जाते हैं। बंगलास एंड मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स आर द एग्जाम्पल ऑफ पक्का हाउसेज। यानी कि जो बंगले होते हैं, बड़े बड़े घर बने होते हैं, बंगले बने होते हैं और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स यानी कि जो फ्लैट्स वगैरह बने होते हैं, बहुत ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी होती हैं, वो पक्के हाउसेस की, पक्का हाउसेस कहलाता है। अब देखिए इसमें ये झोपड़ी बनी हुई है, ये कच्चा हाउसेस है पिक्चर्स में और ये पक्का हाउसेस है। ओके, ए बंगलास इज ए वेरी बिग हाउस, इट हैज़ मैनी रूम्स एंड ए बिग गार्डन। यानी कि जो बंगले होते हैं उन बहुत ही बड़ी बिल्डिंग होती है और इसमें बहुत सारे कमरे रहते हैं और एक बहुत ही बड़ा गार्डन रहता है। ए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग हैज़ मैनी स्मॉल हाउसेस कॉल्ड फ्लैट्स। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा शहर में बहुत बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनी होती हैं, 6 माला, 2 माला, 3 माला, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी रहती है बड़ी बड़ी सिटियों में, उसमें उनको बोला जाता है फ्लैट्स। यानी कि जो बिल्डिंग्स ऊंची माले जो होते हैं, 1 माला, 2 माला, 3 माला करके ऐसे ऐसे 10 10 माले, 15 15 माले तक ऊंची ऊंची होती हैं बिल्डिंगें, तो उसमें जो एक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर जो बोले जाते हैं वो फ्लैट्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए सम पीपल लिव इन स्पेशल टाइप्स ऑफ हाउसेस। यानी कि कुछ स्पेशल अलग तरीके के भी घर होते हैं, जैसे कि मैनी पीपल इन काश्मीर लाइव इन हाउस बोट्स। ए हाउस बोट फ्लोट्स ऑन वाटर, इट हैज़ ऑल द फैसिलिटी डेट ए हाउस ऑन द लैंड हैज़। यानी कि जो कश्मीर में जो बोट चलती हैं,
अगर आप लोग घूमने गए हो कश्मीर, तो कश्मीर में नदी है, जो झील है उसमें कुछ बोटे पड़ी रहती हैं, बिल्कुल घर जैसे उसमें बने रहते हैं, उस बोट में, वो झील में ही रहती हैं, बोट में घर बने होते हैं, उसमें पूरी सुविधा हमारे घर जैसी होती है। ठीक है, फिर एक है पीपल लाइक स्कॉट्स एंड सोल्जर्स लिव इन टेंट, ए टेंट इज मेड फ्रॉम थिक कैनवास, इट कैन बी इजली फोल्डेड, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा जो सिपाही लोग होते हैं, स्काउट सोल्डर्स लोग जो होते हैं, वो टेंट बनाकर रहते हैं, जो कि आसानी से बन जाता है, मोटे कपड़े का बना होता है टेंट, और आराम से उसको हम फोल्ड भी कर सकते हैं। अगर हमको जहाँ भी रहना है, सोल्डर लोग जहाँ भी रहते हैं, अपना जिस भी जगह पे उनको फील्ड में भेजा जाता है, वहाँ पर ये अपना टेंट बनाकर रहते हैं उसके अंदर, और जब उनको बोला जाता है कि आपकी पोस्टिंग दूसरी जगह करी जा रही है, आपको दूसरे बॉर्डर पर भेजा जा रहा है, तो वो वहाँ से अपना टेंट को फोल्ड कर कर उठाकर ले जाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट, पीपल इन वेरी कोल्ड एरिया लिव इन इग्लूज, एंड इग्लूज इज ए हाउसेज ऑफ स्नो द इस्किमोस लाइव इन इग्लूज, यानी कि जो बहुत ही ठंडे एरिया होते हैं, जहाँ पे बहुत बर्फ पड़ती है, वहाँ पर इग्लू टाइप के घर बनाए जाते हैं, जो कि इस्किमोस जो होता है, इस्किमोस जो होता है उस टाइप के बने रहते हैं। ये इस्किमोस एक जो है एनिमल्स होता है उसी की शेप के ये हाउसेस इग्लूज होते हैं। ठीक है, मैनी पीपल लाइक बंजारास एंड गैपशिप लाइव इन मोबल हाउसेस कॉल्ड कैनवास, ए कैनवान इज ए हाउस ऑन व्हील्स, यानी कि जो कारवान हाउस होते हैं, वो व्हील यानी कि चलते फिरते घर होते हैं, जो बंजारा लोग रहते हैं बनाकर घर, उनके घरों को आपने देखा होगा, जो कि इस तरीके से उनके घर रहते हैं, उसी में उनकी पूरी गाड़ी में ही सुविधा रहती है। ठीक है, अब है एन आइडल्स हाउसेज, यानी कि कुछ आदर्श घर भी होते हैं। एन आइडल हाउसेज इज दैट विच इज सनी एंड एरिया एयर्स, सनलाइट एंड फ्रेश एयर आर गुड फॉर हेल्थ, एंड आइडल हाउस हैज़ मैनी रूम्स इन इट, यानी कि कुछ ऐसे घर होते हैं, बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, जो अच्छे घर होते हैं, उनकी उनमें जो है सनलाइट आनी चाहिए, यानी कि सूरज की रोशनी भी आनी चाहिए और हवा भी आनी चाहिए, वो कहलाते हैं हमारे आदर्श घर। सनलाइट और फ्रेश एयर जिन घरों में आती है, उससे हमारी हेल्थ जो है गुड रहती है, अच्छी हेल्थ रहती है, वो कहलाते हैं। और जो एक बड़े बड़े घर रहते हैं, जो अच्छे स्वच्छ साफ सुथरे घर रहते हैं, वो कहलाते हैं, उनमें बहुत सारे रूम होते हैं। हमेशा घरों को साफ सुथरा रखना चाहिए, अपनों को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए घरों को, उससे हम लोगों की जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है। वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज अराउंड आर हाउसेज, बिकॉज ट्रीज कीप द एयर अराउंड अस क्लीन एंड फ्रेश, यानी कि हमको अधिक से अधिक अपने घर के आसपास पेड़ों को लगाना चाहिए। पेड़ों के होने से हमारे जो घर में एकदम साफ सुथरी एयर आएगी, उससे हमारे घर में एकदम स्वच्छता बनी रहेगी और फ्रेशनेस बनी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ अच्छे घर की हैबिट्स बताई गई हैं, जो अच्छे घर होते हैं उसमें एक बैठक होती है, सोने का कमरा होता है, किचन अलग होती है, बाथरूम अलग होता है, डाइनिंग रूम अलग होता है और स्टडी रूम अलग होता है। जो अच्छे आइडियल्स हाउसेस होते हैं, उनमें इस तरीके के मैनी मैनी रूम्स रहते हैं। ठीक है, पीपल हु हेल्प अस टू बिल्ड बिल्ड आवर हाउसेस, यानी कि हमारे घर को बनाने के लिए कितने लोग काम करते हैं, जब हमारा एक अच्छा घर बन पाता है, जो एक आइडियल हाउस होता है उसमें कितने लोग अपना सहयोग देते हैं जब हमारा घर बनता है। यहाँ पर देखिए, एक आर्किटेक्ट
मेक ए ड्राइंग ऑफ हाउस, यानी कि एक जो हाउस की ड्राइंग बना रहा है इंजीनियर। फिर यहाँ पर लेबर काम कर रही है, यानी कि मजदूर लोग हमारे घर की बना रहे हैं। फिर उसके बाद में कारपेंटर हमारे घर में लकड़ी, दरवाजे, विंडोज ये लगाते हैं। फिर इलेक्ट्रिशियन हमारे घर में बिजली की फिटिंग करता है। फिर एक पाइपलाइन जोड़ने वाला रहता है पानी की, जब हमारी पाइप जिससे हम पानी हमारे घर में पूरे में टॉप्स जो लगाई जाती हैं वो एक प्लम्बर काम करता है। फिर पेंटर हमारे घर को पेंट करता है। तो इतने सारे लोग मिलकर जब हमारा एक घर बनता है। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा पूरा आज एक्सप्लेन हो गया। ओके बाय बाय।